मैं शर्मा निरंतर कोचिंग प्रयागराज। आज हम लोग के बीच में नरेंद्र प्रताप यादव जी जो जिला सुल्तानपुर से हैं, लम्हा सुल्तानपुर और ककराही गांव है। आप भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में TGT के पद पर आपका चयन हो चुका है और आपने नेट 9 बार परीक्षा उत्तीर्ण किया है और आपने भी बहुत ही कम समय में आपने इस परीक्षा को उत्तीर्ण करके और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हिंदी TGT के पद पर चयनित हुए हैं आप। और जो पहले ही विज्ञापन में आपने प्रयास किया आपका सिलेक्शन हुआ और आज हम लोग के बीच में हैं और आप सुबह के बैच में पढ़ा करते थे, तो आज मैं नरेंद्र प्रताप यादव जिससे आपसे बात कराएंगे और अपनी सफलता के बारे में बताएंगे और ये मैसेज जरूर देंगे कैसे पढ़ा जाता है और कितने समय आप दिया करते थे और क्या आपके परिवार में पहली नौकरी है, इससे पहले भी लोग सिलेक्ट हैं और आप इलाहाबाद में कितना समय आपने दिया और क्या पढ़ाई के लिए ज़्यादा समय देना चाहिए कि बहुत कम समय में, क्या कई विज्ञापन देखना पड़ता है तब सिलेक्शन होते हैं, इसके बारे में भी बताएंगे। तो मैं नरेंद्र प्रताप यादव, ग्राम ककराही, जिला सुल्तानपुर से और लम्हा से। सर्वप्रथम मैं अपने सर को प्रणाम करना चाहूँगा। मैं नरेंद्र प्रताप यादव, लम्हा सुल्तानपुर से, शिष्य श्री एसर वर्मा सर, और मैं यहाँ सबसे पहले सर की कोचिंग में सन 2017 में 14 अगस्त 2017 को आया था और मेरी सफलता के पीछे दो लोग मेन हैं, बाकी सबका आशीर्वाद रहा, माता पिता, भाई बहन, भैया भाभी, चाची चाचा, सबका आशीर्वाद रहा, सबका सहयोग रहा, मित्रों का सहयोग रहा, लेकिन इसमें भी सबसे पहले मुझे इलाहाबाद तक पहुँचाने में किसी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है तो हमारे चाचा श्री मंगल यादव जी का रहा। उसके बाद यहाँ पहुँचने के बाद सर से भेंट हुई, सर के शरण में आए, उसके बाद 14 अगस्त 2017 को सर के यहाँ एडमिशन लिए। पहला दिन पहले ही दिन एडमिशन, क्योंकि मुझे हर चीज़ पता था, एक यही पढ़ा करते थे हमारे चचेरे भाई अनिल प्रताप यादव जी, ये शर्मा चचेरे भाई हैं, तो हम लोग यहाँ पढ़े। उसके बाद 2016 के विज्ञापन में चयन हुआ सर के आशीर्वाद से। उसके बाद सही पढ़ने की बात, हमारा सर कोई टारगेट नहीं था, मतलब रहता कि हमें इतना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हम सीधे आते थे क्लास में बैठते पढ़ते, टारगेट मेरा वही होता था, रणनीति हमारी वही होती थी जो सर कहते थे, सर कहते कितना सुनना है कल, इतना टेस्ट पूछा जाना है, मैं वही आँख खोल के रखता था, वही पढ़ता था और कभी प्रेशर लेके नहीं पढ़ा। मुझे घर से भी कोई दबाव नहीं था कि नहीं पढ़ो इसी में नौकरी, बस घर से यही था कि पढ़ते रहिए, होगा कभी ना कभी होगा। चाचा जी भी हमारे कंप्यूटर हैं और ये में बिगड़ आए तो कहते पढ़ते रहिए होगा। इसके पहले हमारे सबसे छोटे भाई का सिलेक्शन हुआ IPP में सर, जो आपके ज़िले में है। उसके बाद उनसे बड़े जो हैं उनका सिलेक्शन हुआ प्राइमरी में और उनसे बड़े हम हैं, मेरा सिलेक्शन है, मेरे दादाजी भी सर्विस किए हैं। अच्छा, चयन बोर्ड में पहली बार आप? चयन बोर्ड में हमारे घर से हम दो लोग, मतलब पहला विज्ञापन में आपने? इससे पहले आपने विज्ञापन को नहीं देखा? नहीं सर, बैठे थे लेकिन बिना तैयारी जी वही पूरा हुआ था, कोचिंग भी नहीं किया, सिलेबस भी नहीं पता था कितने पार्ट होते हैं, पढ़ने के बाद सब आसान हुआ और सब हुआ। आप बता रहे थे 9 बार आपने नेट परीक्षा को? 9 बार हमने परीक्षा पास किए हैं जिसमें मेरा JRF नहीं है, 0.8 से रुका है JRF, जिसमें CTET, UPTET, उसके बाद सुपर टेट पास थे लेकिन मेरिट में छट गए। उसके बाद सर दिल्ली में भी मेरा कुछ नंबर से रुका था, 1 कुछ नंबर से। अच्छा, आपने बताया नहीं कभी कि अनिल यादव जी आपके चचेरे भाई हैं? नहीं नहीं सर, हम एक ही परिवार के हैं जी सर, वो तो आप ही साथ पढ़ते थे उसी बैच? नहीं नहीं, 9 से 11 थे सर और हमारे दादाजी 3 भाई हैं, बीच वाले जो उनके नाती हैं मैं और छोटे वाले, उनसे कभी प्रेरणा मिलती थी क्योंकि वो भी LTM सेलेक्ट है और बहुत अच्छे टेस्ट में किया करते थे, क्लास फेलो थे, हम लोग साथ पढ़ते थे रहते थे और रही बात उनका बैच अलग था हमारा बैच अलग था, तो पढ़ते थे दोनों लोग, टेस्ट बहुत अच्छा किया करते थे। और रही बात, हाँ ये है कि सर मेरा टेस्ट में 125 नहीं पहुँचा लेकिन टारगेट करते थे 25 वालों को, वो नहीं पाया 123। अच्छा, शुरुआत की थी तो याद है आपको कितना? जी सर, 82 क्वेश्चन से शुरुआत, 82 क्वेश्चन
लास्ट में 123 तक पहुंचा था सर। लास्ट में 123 परीक्षा देने से पहले की बात है। परीक्षा देने से पहले 123 तक हो गया। 123 तक अपनी कोचिंग में किए हैं। तो कालखंड वाइज था कि वो पूरे सिलेबस का? पूरे सिलेबस से सर, पूरे सिलेबस से कहीं से। तो आपसे ज्यादा भी कोई किए थे कि आप एक थे? जी पुष्पा वर्मा थी। मैं तो उनका ज्यादा होगा जी सर, 125 था उन लोगों का जी। और एक थी सुषमा यादव की थी सर, जैसे 3-4 लोगों के 125 था, 24 था। तो क्या बताना चाहेंगे कैसे कितना समय दिया जाए इस पाठ्यक्रम को? सर समय की बात रही और हमारी पढ़ने की, हम कभी भी नहीं देखते थे कि हम कितना टाइम पढ़ रहे हैं, कितना क्या कर। जब टाइम मिला पढ़े, जब उबल लगी, हमारे मित्र थे प्रशांत, उनके पास फोन लगाते, फोन लगाने के बाद क्या करते थे कि सिलेबस खोल के क्या पूछो, नोट्स से कुछ भी पूछो, एक घंटे दो घंटे वो हमसे पूछते हैं। मतलब वो आप लोग सामने नोट्स रख लिया करते थे, वो कहे पूछे जितना पूछे ईमानदारी से। हाँ हम बताते, और रही बात जब उनका नंबर आता हम कॉल के पूछते। तो ये काम हम लोगों से था, खाना वाना बनाते समय फोन लगाते, बात होती है 1.5 घंटे चलो सर, लेकिन उनका उपन्यास क्या है, इसमें क्या है, पात्र कौन है, नहीं पढ़ाई से ही संबंधित बातें हुआ करती सर। बहुत सहयोग किए प्रशांत भाई, और कई दुख की बात उनका नहीं हुआ, लगे हैं अभी आपके शरण में हैं, हो जाएगा। तो क्या आप कभी टेस्ट छोड़ा करते थे कि रेगुलर? सर टेस्ट और क्लास ये घर इलाहाबाद में है सर, कभी नहीं छोड़ते। क्लास में पूछना है वो भी क्लास में, कभी कभी हम ऐसे पहुंच जाते थे कि कोई याद नहीं रहता। सबसे पहले हम और विजय पटेल और विजय। अच्छा रात में कितने बजे सोते थे आप? सर हम टाइम से सोते थे, लगभग 10 बजे के बाद कभी भी सो जाएंगे, उसके बाद उठ जाते 4:30-5 बजे तक। सुबह सर सुबह उठने की आदत थी, खाना खाने के बाद हम नहीं सोते सर, रात भर नहीं रहती। मतलब ये जब पढ़ा करते थे आप, तो क्या कभी कोई ऐसा डाउट नहीं होता था कि हम पढ़ रहे हैं, ऐसा ना हो कि सर गलत बता रहे हो कि और भी चीजें? नहीं सर, हाँ एक बात याद आई, सोचे थे बता दीजिए। हमारी एक भतीजी है छोटी सी, तो उसको एक बार वो लिख रही थी आए, आए पे 2 मात्रा लगा रही थी सर, उसको हम 1 मात्रा मिटा के बताते बेटा ऐसे होगा, कहीं नहीं हमारी मैम बताई है, मतलब उसको इतना कॉन्फिडेंस था मैम बताई है सही है सर, वही आदत हमारी भी जी, वो इस कोचिंग में बताया गया है सही हो गलत सुधार करवाएगा। जब आते जो पढ़ाया जाता है वही हम सही मानते, गलत होगा कल आपको भी करेक्शन करेंगे, परसों करेंगे, लेकिन होगा जरूर। इसलिए सर पूरा विश्वास के साथ हम तैयारी करते थे उसी सिलेबस पे जो आप पढ़ाते थे, जो लिखाते थे। हम ज़्यादा रही बात सर किताब पढ़ने की, आप कहते हैं वासुदेव नंदन पढ़िए सर, कभी यहाँ से मोटिवेट होकर जाते हैं, 2 पेज पढ़ते रख देते हटाओ वही नोट से सही है। अब सर पढ़ा रहे हैं नोट के लिए पढ़ाएंगे सर, पढ़ाएंगे तो रही बात सर आप कहते रामचंद्र शुक्र पढ़िए नीचे शुरू खाइए, उसको हम 2 पेज पढ़ते रख देते सर, जो नोट्स ही सही है जो पूछे उसी में सही है बस सर, नोट्स पढ़ के अब यहाँ तक पहुँचे हैं और नोट्स की तैयारी। उनका बड़ा संयोग रहा कि साथ में ही माध्यमिक शिक्षा संरचन बोर्ड के बोर्ड मिला। जब हम गए वहाँ घर से रूम से तो थोड़ा प्रेशर था, इंटरव्यू, जब आपसे मिले आप बैठे साथ में, हम सोचे अब सर का काम, मेरा काम खत्म, सब देखेंगे अपना। उसके बाद फिर आराम से इंटरव्यू हुआ, बात फिंड की है, चलो ठीक है सर हो गया आराम से। तो यही सब था सर, रही बात घर से और सब जगह से पूरा सपोर्ट था, कोई प्रेशर नहीं था हमारे ऊपर। और हम एक बार कह भी थे कि हमारे घर में 6 नौकरी मिलेगी, हमारे चाचा अनिल के पिताजी हैं फोन करके आपसे कहे, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन बोले कि बेटा कहे थे 6 नौकरी मिलेगी, जिसमें 3 भाई हम थे, 3 भाई अनिल, इसमें कि 5 लोगों का हो गया, एक अनिल का छोटा भाई बच्चा है, देखिए सर अभी हो जाएगा कहीं। तो आपने जो पढ़ाई करते थे तो क्या आपको कभी सोचे कि उस 24 घंटे में आपकी लगभग कितनी पढ़ाई हो जाती थी? सर कभी हम कभी नहीं किए कितने घंटे पढ़ते, जब मन करता था। क्या मित्रों पे भी समय दिया करते थे टहल करके? सर हम रूम से बहुत कम निकलते थे, क्योंकि हमारी आदत है कभी कभी कोचिंग बंद है अपनी, तो हम 15 दिन गेट के बाहर नहीं निकलते थे, घूमने के मन हुआ छत पे गए घूम लिए, फोन बतिया दिए प्रशांत भाई, किसी के रूम पे नहीं जाया करते, रूम पे नहीं ना किसी के रूम पे जाते थे। और हमारे जो पार्टनर हैं, पार्टनर के हमारे छोटे भाई रहते थे हमारे साथ, और एक थे 2 लोग रहते थे कि लगा दिए थे, जिसको मित्रों से मिलना हो जाते रूम का व्यवहार नहीं, इतने खास पूरे इलाहाबाद में मेरे रूम के सर कोई आते हैं प्रशांत, विजय पटेल भी नहीं गए थे, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मेरे रूम पे गए, रूम पे आने जाने वाला काम नहीं था सर, मुझे पता है रूम पे आ जाएंगे हमको डिस्टर्ब होगा, अगले को होगा,
अब हमारे दो मित्र आएंगे तो जो नए लड़के हैं उनके 5 आएंगे, दिक्कत होगी सर, इसीलिए रूम का व्यवहार नहीं करते। और रही बात लाज घड़ी है, लाज में भी ज़्यादा इधर उधर किसी कमरे में आना जाना है सब। अच्छा, जब परीक्षाएं नजदीक आती थी जैसे मान लीजिए 2 महीने बचा हुआ, तो उस समय कैसे पढ़ाई करते थे आप, कितना समय देते थे? सर बस नहाने खाने धोने सोने पीने सोने से जो बसता वही पढ़ते, अब एक तरफ से पढ़ते सर, मेरा कोई टाइम टेबल नहीं था कि कब शास्त्र पढ़ना व्याकरण पढ़ना, जो नोट्स उठा लिए उसको ख़त्म करना है सर। रही बात टेस्ट की, जब टेस्ट होता टेस्ट में रोज आते, मेरा टारगेट रहता कि उसे पकड़ना है जो आगे हैं हमसे, उनको पीछे करना है, लेकिन एक दो क्वेश्चन पीछे रहते फिर भी अगली बार पीछे कर देंगे, ये करेंगे हफ्ते में पूरा। अच्छा, जब आप आए संस्था में तो जब इतने लोग भी 150-200 में टेस्ट होना होता है जी सर, आपके बैच में इतने लोग आए होंगे, तो जब आपसे ज़्यादा जैसे आपने वैसे शुरू किया जी सर, तो आप जब परीक्षा देते थे टेस्ट में अपने मन से जी सर, तो आपसे ज़्यादा भी लोग करते थे जी सर, तो आप जो ज़्यादा करते थे 122-118 तो उनका भी सिलेक्शन हो गया, लेकिन आपका भी हो गया जी सर। तो कभी नहीं महसूस होता था कि 120-122 से पहले से कर रहे हैं तो मेरा तो बहुत पीछे होगा कि नहीं? सर हम ये सोचते थे, हम तो इंसान ये भी पढ़े हैं तब तैयार किया, मेरा भी सिलेबस पूरा होगा, मेरा भी तैयार हो जाएगा, कोई कहीं से थोड़ी पढ़ गया, यहीं आते हैं यहीं पढ़ते हैं यहीं सीखते हैं, हम भी सीख लेंगे। रही बात कोई सुनाता करेगा कि मुझे लगता है अगर इंसान सुना सकता है मैं क्यों नहीं सकता। नहीं है, देखिए आजकल बहुत लोग कह रहे हैं कि नोट्स मिल जाए हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो क्या उसको कहाँ तक आप सही मानते हैं कि नोट्स पाने से सिलेक्शन? सर मैं इलाहाबाद में पहली बार आया, एक मित्र थे उनके माध्यम से किसी का नोट्स लिए, मिश्रा सर का नोट्स मिला मुझे, मैं कभी पढ़ नहीं पाया उसको, एक बार किसी तरह पढ़ा के कुछ समझ में नहीं आया, पढ़ नहीं पाया। मतलब वो जो अपने हाथ से लिखा जाता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट? सर हाथ से लिखने मतलब आप 1.5-2 पेज लिखाए हैं उसको जाके हम रट लेंगे पढ़ लेंगे, अब हमें 15-50 पेज मिल जाए तो नहीं कर पाएंगे, 1-1.5 पेज पढ़ सकते हैं, आज तैयार हो गया कल फिर 2 पेज मिला फिर तैयार होगा फिर पीछे वाला अच्छे से मिला। अच्छा, जो काफ़ी पुराने लोग हैं, काफ़ी लोग के रिजल्ट नहीं बन पाए, निराशा बनी हुई है, तो उन लोग के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं कि उनको कैसा कार्य करना चाहिए कि वो उनका भी हो जाए? सर होने का रही बात तो पुराने लोग हैं, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस चले जाते हैं, मेरा इतना तैयार है नए आए हम क्या कर पाएंगे, ऐसी कोई बात तो लगा रहेगा खजुआ सर सर आगे भी कर लेंगे कोई भी। सर मैं किसी 2016 से TGT के विषय में मतलब सोचा कि मुझे TGT ट्राई करनी है, TGT PGT जो भी हो, तो इसी में जब लगा कोचिंग में जितना आप कहते इतना पढ़ के आना है तैयार करना है नोट्स जो बनवाते वही, आज भी मेरे पास वही नोट्स है, बाकी जो छूटा भी होगा उसको फोटोकॉपी करवा के पढ़ लेते, अगले दिन कोचिंग में आने से पहले जो आप पढ़ाए रहते 4 दिन मुझे 10 दिन कभी कभी झारखंड गए थे 12 दिन का छूटा था, तो उसको पहली बार उसको फोटोकॉपी कराया कंप्लीट करके तब क्लास में पहुँचे, क्योंकि टेस्ट में ऐसा ना हो हम पीछे हो जाएँ, और सबसे ज़्यादा कंपटीशन हमारा मुझे टेंट का रहता था, बैठते पास में थे लेकिन टेस्ट के दिन दूर कहीं एक क्वेश्चन आगे पीछे रहते थे, ज़्यादा अपने मित्रों से ज़्यादा कंपटीशन। और यही बात जो 4 लोग थे जो क्लास में ज़्यादा करते थे तो उनका वो करते थे कि इनको पीछे करना है, लेकिन कभी कभार एक क्वेश्चन एक दिन संजोग बना सर कि टॉप में हो जाते, लेकिन उस दिन दीपिका सिंह कोई थी बराबर पे आ गई। अच्छा, उनका सिलेक्शन हुआ नहीं मुझे नहीं पता सर, लेकिन उस दिन टेस्ट में बराबर पे आ गई थी, हमने कहा नाम पर नहीं लिखा कि टॉप पर जाए किसी दिन क्लास में। चलिए बहुत अच्छा लगा जी, और भी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए आपने ऐसे लोग से बात की जो नरेंद्र प्रताप यादव जी जो आपके घर में भी सर्विस थे, वैसे भी लोग मुलाकात कर रहे हैं और ऐसे लोग से बातें भी सुन रहे हैं जो जिनके पूरे परिवार में कभी सर्विस ही नहीं है और पूर्वज में भी पीछे पीढ़ी में कहीं नौकरी थे, हर तरीके से लोग बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो से आपने एक अच्छी बात बताई कि जो टीचर बताए उनकी बातों को फॉलो करना चाहिए, तो अगर कोई गलत है तो उसको सुधार हो जाएगा, तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत सारी चीज़ें लोग सुनना नहीं चाहते तो वो कहीं के नुकसान हो सकते हैं, और कोई चीज़ गलत है अगर आपको डाउट लगे कि गलत है तो उसको आप लोग किताबों में देखें और उस पर जो संदेह है उसको किताब देख करके उसके उत्तर को सही किया जाए, और अगर गलतियाँ हैं तो उसको आपस में बैठ के विचार किया जाए। और बहुत अच्छा लगा नरेंद्र जी आपसे बात करके।